दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही उम्दा और स्पेशल कढ़ाई पनीर। अभी तक आपने शादियों में, ढाबे पे, रेस्टोरेंट में या किसी भी पार्टी में कढ़ाई पनीर तो जरूर ही खाया होगा, लेकिन आज आप इस तरीके से बनाइए, इसका स्वाद आप भूल नहीं पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मसाला भाई मालाई किचन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं कढ़ाई पनीर। अभी तक आपने शादियों में, ढाबे पे, रेस्टोरेंट में या किसी भी पार्टी में कढ़ाई पनीर तो जरूर ही खाया होगा, लेकिन आज आप इस तरीके से बनाइए। सबसे पहले हम गैस ऑन करके रख लेंगे पैन। तो हम साबुत मसाला ले रहे हैं दोस्तों, जो हम हल्का सा रोस्ट करेंगे। एक छोटा चम्मच मैंने साबुत जीरा ले लिया, एक छोटा चम्मच मैंने सौंफ ले लिया, दो चम्मच मैंने लिया है धनिया, काली मिर्च ले ली है थोड़ी सी, तीन चार मैंने साबुत लाल मिर्च ले ली है, और कुछ मैंने गर्म मसाले लिए हैं, बड़ी इलायची, थोड़ा सा लौंग और छोटे से टुकड़े दालचीनी के, इलायची के, ये सब मिला के ले लिया है मैंने। और दोस्तों इन सब को आपस में भून लेंगे। ये हमारा स्पेशल कढ़ाई पनीर का मसाला तैयार होने जा रहा है। ये मिलाने के बाद जो पनीर का स्वाद है वो बिल्कुल अलग हो जाता है। इसको बनाकर रख भी सकते हैं दोस्तों। तो हल्का सा रोस्ट कर लेंगे 102 मिनट लो एंड लो मीडियम फ्लेम पर। उसके बाद गैस कर देंगे ऑफ, इसको थोड़ा सा ठंडा करके और इसको पीस लेंगे। लाल मिर्च भी लिया है मैंने तीन से चार, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, और एक ले लिया मैंने तेज़पत्ता। चलिए कुछ बाकी चीज़ें और भी लेंगे। दो मीडियम मैंने ऑनियन लिया है, तीन मैंने टोमेटो लिया है, और आधा इंच अदरक का टुकड़ा, और 7 से 8 लहसुन की कलियाँ, इनका मैं पेस्ट बनाऊँगी। उधर मैंने मसाला जो है अभी भुना था उसको मैंने सूखा ही पीस लिया है। चलिए आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। 2 बड़े चम्मच मैंने सरसों का तेल डाल के गरम कर लिया। इसमें मैंने सब्जियां बारीक नहीं काटनी है, जो मैंने प्याज लिया है वो मोटा मोटा काटेंगे, तो उसको मैंने प्याज को डाल दिया, उसको भून लेंगे। बिल्कुल हमने हल्का ही भूनना है। और ये टोमेटो है, ये भी रफली काट लिया, प्याज भी रफली काटा है। 3 टोमेटो है, 2 बड़े प्याज, 2 मीडियम प्याज हैं, 3 टमाटर लिया है मैंने वो भी मीडियम ही है, और इनको भून लेंगे। इसका पेस्ट तैयार करना है। ये हमने लहसुन ले लिया, लहसुन आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं, 8 से 9 लहसुन लिया है मैंने। अदरक डाल दिया मैंने, इसमें हरी मिर्ची भी ली है 2 मैंने दोस्तों। पहले भी हमने जो ड्राई मसाला पीसा है उसमें लाल मिर्ची ली है, तो इसीलिए मैंने इसमें कम ले रही हूँ। इसको इस तरह से चला लेंगे, थोड़ा सा सॉल्ट डाल लेंगे जिससे ये थोड़ा सा आसानी से गल भी जाए और सॉफ्ट हो जाए। थोड़ी देर इसको कुक कर लेंगे लो एंड लो मीडियम फ्लेम पर। जो मैंने इधर ड्राई मसाला लिया है उसको मैंने पीस लिया, इसका पाउडर बन गया है, उसको रख लिया मैंने। वो हमारा स्पेशल कढ़ाई पनीर मसाला तैयार हो गया दोस्तों। इस तरह से बनाकर देखिए। इधर हमने जो सारे सब्जियां ली हैं, टमाटर, प्याज, लहसुन, हरी मिर्च और अदरक, उनको हमने भून लिया है। उसमें मैंने डाले हैं 4 से 5 मैंने काजू भी डाल दिए हैं। इधर मैंने पनीर ले लिया दोस्तों, ये पनीर 1 पाव है, इसको पीसेस में काट लेंगे। अब इसमें कुछ डालेंगे सूखे मसाले पाउडर, जिससे पनीर का जो फ्लेवर है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। तो आधा छोटा इंच मैंने डाल दिया है लाल मिर्च पाउडर, और हल्दी डाल दिया है थोड़ा सा, और डाल देंगे सॉल्ट, और थोड़ा सा मिलाएंगे ऑयल। इससे क्या होगा, हमारा जो पनीर है वो बनेगा बहुत ही सॉफ्ट। इसको थोड़ी देर हम मैरिनेट करके छोड़ देंगे। ये देखिए ऑयल डाल रहे हैं, थोड़ा सा ऑयल डाला है, आधा छोटा चम्मच ऑयल है। इसको मैरिनेशन के लिए छोड़ देंगे, इससे हमारा पनीर का फ्लेवर काफ़ी बढ़ जाएगा। अब लेंगे 1 शिमला, इसके हम चौकोर टुकड़े काट लेंगे। आपने अक्सर कढ़ाई पनीर में शिमला जरूर खाया होगा, शिमला मिर्च हरी वाली। और ये लिया है मैंने 1 प्याज, 1 बड़ा प्याज है, इसको भी चौकोर काट लेंगे। इसको, इसके जो लच्छे निकलते हैं ना बीच में से, उस तरह से लच्छे निकाल लेंगे। इस तरह से खोल के अलग अलग कर लेंगे सारे इसकी जो परतें होती हैं, और जिस तरह से हमने
शिमला को काटा है उसी तरह से प्याज की सारी परत आपस में अलग कर लेंगे। ये रेडी हो गया। चलिए अब आगे की प्रिपरेशन। गैस ऑन करके रख ली कढ़ाई, ले लिया मैंने ऑयल, इसमें मैंने एक बड़ा चम्मच ऑयल डाला है। मैं सरसों का तेल इस्तेमाल कर रही हूँ, आप कोई भी ऑयल खाते हो इस्तेमाल कर सकते हैं। शिमला मिर्च और प्याज जो मैंने अभी चकोर काटा है उसको फ्राई कर लेंगे थोड़ा सा। आप चाहें तो कच्चा भी यूज़ कर सकते हैं एज इट इज, लेकिन आपको बहुत फ्लेवरफुल बनाना है कढ़ाई पनीर को तो ये प्रोसेस आप कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इसको हल्का सा सौते करेंगे, हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाएगा और उसके बाद इसको प्लेट आउट कर लेंगे। चलिए इसको प्लेट आउट कर लेते हैं। इसमें हम डाल लेंगे थोड़ा सा बटर, क्योंकि पनीर इधर हमारा मैरिनेट हो गया है, तो लेकिन पनीर को हम थोड़ा सा फ्राई भी कर लेंगे जिससे कि पनीर का फ्लेवर और भी बढ़ जाएगा। उसमें मसाले ऑलरेडी ऑब्जर्व हो ही गए हैं, तो इसको भी एक मिनट तक चला लेंगे। लो मीडियम पर हमारा फ्लेम चल रहा है, बहुत ज़्यादा कलर नहीं चेंज होगा, हल्का सा कलर में चेंजिंग आएगा। इसको निकाल लिया, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। ये देखिए इसका जो टेक्सचर है बिल्कुल सॉफ्ट है, नहीं तो एकदम च्युगी च्युगी हो जाता है, वैसा नहीं है, ये अच्छा है, सॉफ्ट है, खाने में बहुत अच्छा लगेगा। चलिए कढ़ाई साफ़ करके मैंने रख लिया और ले लिया दो बड़े चम्मच मैंने ऑयल ले लिया। लो एंड लो मीडियम पर मेरा फ्लेम चल रहा है। आगे का प्रोसेस, आगे की प्रोग्रामिंग, अब ये रेडी हो रहा है हमारा। ये मैंने डाल दिया लाल मिर्च एक बड़ा चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च है, और आधा छोटा चम्मच मैंने हल्दी डाला है। भून लिया एक मिनट के लिए। अब जो मैंने पेस्ट बनाया था टमाटर प्याज का, उसको मैंने ऐड ऑन कर लिया इसके अंदर। लो मीडियम पर मेरा फ्लेम चल रहा है, भून लेंगे सारी चीज़ों को। अब ये हमारा फाइनल मसाला कढ़ाई पनीर का, जो मैंने सूखे ड्राई मसाले पीसे थे, ये मैं बड़े चार चम्मच इसके अंदर ऐड कर लूँगी। बाकी मसाला जो बचेगा एयर टाइट डब्बे में बंद करके रखेंगे, जब भी बनाना हो इस्तेमाल कर सकते हैं। टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट डाल देंगे और चला लेंगे, ढक लेंगे इसी तरह से, दो तीन बार ढकेंगे चलाएंगे। थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देंगे जिससे मसाला हमारा जले नहीं, पेस्ट हमारा जो डला हुआ है भुन जाए। वैसे तो सब चीज़ कुक्ड है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा और फ्लेवर लाने के लिए हमने इसको भूनना पड़ेगा। हल्का सा ऑयल देखिए चारों तरफ से बाहर आने लगा है, इसका मतलब ये रेडी पर है। अब पानी डाल लेंगे, जितना पानी चाहिए होगा आपको उस हिसाब से पानी ऐड कीजिए। मैंने इसमें एक कप पानी ऐड किया है, और जो मैंने शिमला और ऑनियन फ्राई करके रखे थे वो डाल लिए, पनीर जो फ्राई किया हुआ था वो डाल लिए। देखिए इसकी थिकनेस, देखिए कढ़ी की कितनी अच्छी है। और डाल लिया मैंने मलाई, एक घर की ताजी मलाई है, इससे जो फ्लेवर है काफ़ी रिच हो जाएगा, काफ़ी क्रीमी लगेगा। आपने अक्सर कढ़ाई पनीर इसी तरह से खाया होगा, लेकिन ये अभी रेडी पर नहीं है दोस्तों, अभी एक प्रोसेस बाकी है जो इसको बिल्कुल अलग कर देगा। ये मैंने कसूरी मेथी हल्का सा ऊपर से स्प्रेड कर दिया, आप पूरा वीडियो देखिए आपको पता चलेगा। अब मैं स्पेशल इसमें मेथड यूज़ करने जा रही हूँ कि हमारा कढ़ाई पनीर स्पेशल कैसे बना। इसके लिए मैंने दो बड़े चम्मच देसी घी ले लिया है और डाल लिया कश्मीरी लाल मिर्च आधा छोटा चम्मच। ये हमारी फ्लेवर तो बढ़ाएगा ही, देखने में बहुत बहुत ही यूनिक लगेगा ये हमारा कढ़ाई पनीर। आप इसको पार्टी में, गेट टुगेदर पर, कहीं भी बना सकते हैं। देखिए इसको स्प्रेड कर लिया मैंने कढ़ाई में, ये हमारा रेडी हो गया कढ़ाई पनीर, और इसको मैंने सर्व कर लिया। थोड़ा सा हरा धनिया स्प्रेड कर दिया ऊपर से, और डाल लूँगी थोड़ी सी मलाई, एक चौथाई कप मलाई ली थी, थोड़ा सा डाल लिया था, थोड़ा बचा लिया, ऊपर से मैंने इसको गार्निश कर दिया। दोस्तों कढ़ाई पनीर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप कमेंट बिल्कुल नहीं करते हैं, किस तरह से रेसिपी लगती है, अगर अच्छी लगे तो भी बताइए, ना अच्छी लगे तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। फिर मिलती हूँ नई वीडियो में। सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।